19 नंबर दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x, बाई में आपका है a cos square x प्लस का b sin square x dx। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं डिनोमिनेटर में जो है इसको a cos square x और प्लस का b sin square x को t पुट कर देते हैं। ऐसा क्यों करें, क्योंकि देखो इन दोनों का डेरिवेटिव sin 2x के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो a cos का देखिए क्या हो जाएगा, cos square है ना, तो 2 cos x और cos का माइनस का sin। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए b 2 sin x और sin का cos हो जाएगा, ठीक है ना जी, इक्वल टू में यहाँ पर dt और y में यहाँ dx। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा b 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा, b sin 2x और माइनस है यहाँ पर a sin 2x dt by dx, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए a यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर a माइनस सॉरी साइन टू एक्स कॉमन कर लेंगे तो b माइनस a बन जाएगा, b माइनस a साइन टू एक्स इक्वल टू में डी टी और y में dx। तो देखो ऊपर साइन टू एक्स है, तो इस dx को लाते हैं इसके साथ b माइनस a को इधर लाना हो, तो हो जाएगा अब यहाँ से क्या देखिए, तो ध्यान से यहाँ हो जाएगा आपका साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी और y में आपका b माइनस a। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ हो जाएगा डी टी बाई में बी माइनस ए और इंटू वन बाई से क्या सपोज किया था हमने टी। चलिए तो यहाँ वन बाई बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं और यहाँ बच जाएगा डी टी और बाई में टी, तो इसका आपको पता है लॉग टी हो जाएगा, वन बाई बी माइनस ए लॉग टी प्लस का सी। तो टी का वैल्यू वापस यहाँ रख देते हैं, तो वन बाई बी माइनस ए लॉग टी का वैल्यू यही ना होगा जी, a cos square x और प्लस का b sin square x और प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन